आरा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन बंदी की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इस घटना को लेकर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की पूरी टीम अस्पताल में पहुंच गई। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि मृत बंदी चरपोखरी थाना क्षेत्र के सियाडी गांव निवासी स्वर्गीय राजदेव सिंह का पुत्र ललन सिंह था, जो कि अपने भावा की हत्या के मामले में आरोपित था। आरोपित बंदी ललन सिंह को पुलिस ने एक दिन पूर्व गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा था। तभी बंदी की अचानक शाम में तबीयत खराब हो गई और उसे आनन फानन में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसने इस घटना पर जेल अधीक्षक निरंजन पंडित ने बताया कि बंदी को संभवतः दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उसे तत्काल इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन वो नहीं बच सका। जानकारी के अनुसार बंदी अस्पताल पहुंच भी नहीं सका और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम परिजनों के देखरेख में अस्पताल में करवाया। चिकित्सकों की 3 सदस्यीय बोर्ड ने शव का अंत परीक्षण किया। ये बाथरूम गए थे, बाथरूम से आ रहे थे और अचानक से, जैसे प्रतीत होता है जो बंदी अगल बगल थे, वो अचानक से गिर गए वहाँ और फिर बेहोशी की स्थिति में उनको तत्काल। सर पहले से तबीयत तो खराब ही था ना? कल ही आया, कल आया और तो फिर यहाँ से ठीक होकर चला गया था? नहीं ना, कल ही जेल आए, जेल पर कल ही आए हैं। कल ही जेल पर ही? हाँ, कल ही जेल। तो आज मतलब वृद्धा स्थिति, मतलब कितना एज होगा? समझते हैं कि 65-70 साल की उम्र। तो क्या हुआ, गिर गए? हाँ, गिर गए थे। गिरने के बाद अचानक बेहोश हो गए, बेहोश स्थिति में प्राण रक्षा तुरंत जेल से अस्पताल, सदर अस्पताल। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम जी, हाँ, डॉक्टर मुकुल। भावत है, फांसी लगा, भोजपुरी में बोला। हाँ, भोजपुरी में बताओ। भाव रही, फांसी लगा ले ली, रात के फांसी लगा ली, वही केस में नाम पड़ गई, यही से जेल आगे को पड़ा। पहले से भी कुछ बीमारी था इनका? इनका दमा, खांसी, हाथ का बीमारी। एक मिनट, क्या बीमारी थी इनको? दमा, हाथ रहे, खांसी रहे। कब ये जेल में आए थे यहाँ? कल ही, काल हाजी करा। क्या नाम था उनका? ललन यादव। आपका नाम? श्री भवानी यादव। कहाँ के रहने वाले? सीआरडी। आप कौन हैं उनके मृतक के? बड़े लड़के, बड़ा लड़का। बहुत सामान्य स्थिति में वो अपने लड़के के साथ ही टहल रहा था कैंपस में, जेल के कैंपस में। 4 बजे के बाद का समय था और अचानक वो बेहोश होकर के गिर पड़ा और उसको हम लोग अस्पताल इलाज के लिए भेजे हैं, उसी में यहाँ पर उन्हें मृत घोषित किया गया। सर ये आगे की जानकारी तो कब आया था हॉस्पिटल? ये कल शाम में ही आया, मतलब 22 के शाम में हमारे यहाँ प्रवेश किया। सर आपका परिचय? मैं जेल अधीक्षक हूँ।